नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप आगे में। और यहां पर जो नगर निकाय का चुनाव है उसको लेकर के जो खास व्यवस्था की गई है उसका हम आज जायजा लेंगे। और जो थावे का डाइट सेंटर है यहां पर बनाया गया है मतगणना केंद्र, और यहीं पर जो चार नगर निकाय हैं उनका यहां पर काउंटिंग होना है। और देखें, काउंटिंग से पहले हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर सुरक्षा के क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो लेडी पुलिस ऑफिसर हैं, विजिलेंस पुलिस ऑफिसर हैं, और साथ में यहाँ पर देखेंगे जगह जगह पर जो है किसी भी चीज़ को अंदर अलाउ नहीं ले जाने के लिए है, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। साथ में आपको इस जो सिक्योरिटी की जो जांच है इसी जांच के दायरे में ही होकर के आपको अंदर जाना है। हम जो अधिकारी हैं उनसे पहले बात करते हैं कि यहाँ सुरक्षा की क्या क्या जाँच करना है। मैम, यहाँ पर जो सुरक्षा का जो लिहाज से क्या क्या जाँच करना है आप लोगों को और किसको अलाउ है? जो भी अंदर जा रहे हैं उनको आइडेंटिटी रिक्वायरमेंट लेटर जो है वो लोग नहीं जा सकते हैं। और जो मतलब जो भी कैंडिडेट है उनके अगर सपोर्टर कोई नेता जैसे कोई लोग है उसको भी एंट्री करने नहीं है। और जिनका पास अलाउ है उनको जाना है, बस उनको ही जाना है। मोबाइल लेके नहीं जाना है, कोई ऑटो सामान लेके नहीं जाना है। तो देखिए, ये है गाड़ी ऐसे भी अंदर नहीं जाना है। देखिए, कोई गाड़ियां अलाउ नहीं है। और ये सच्ची सपना है, उनका कहना है कि जितने भी जो मतदान कर्मी हैं उन्हें भी अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, जिनका पास बना हुआ है उन्हें ही जाना है अंदर। और हम चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं मतगणना केंद्र के अंदर यहाँ पर काउंटिंग होने क्या व्यवस्था की गई। यहाँ पर हम बता दें आपको, यहाँ पर जो वोटों के लिहाज से कि चार नगर निकाय है, गोपालगंज नगर परिषद यहाँ पर है, उसके अलावा मीरगंज, बरौली और कटिया, ये नगर पंचायत है जहाँ पर जो है मतगणना होना है। और हम बताएं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं 453 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। और इसको लेकर के जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो वोटर हैं करीब 1.5 लाख वोटरों ने यहाँ पर मतदान किया था। और यहाँ पर जो कुछ प्रत्याशी हैं उनसे हम बात करते हैं। देखिए, ये नगर के प्रत्याशी यहाँ पर प्रकाश राज श्रीवास्तव भी हैं। बताइए प्रकाश जी। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। माँ थावे की धरती पे हम लोग आज गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र से 55,000 मतदाता मालिकों ने अपने सुविधा अनुसार अपने प्रत्याशी को मतदान दिया। लेकिन यहाँ पे जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, हम लोग बाहर घूम रहे हैं, हर चुनाव में यहाँ पे बैठने का इंतजाम रहता था आरओ टेबल पे, लेकिन प्रशासन द्वारा इस बार हम लोग को बाहर व्यवस्था किया गया है, अंदर व्यवस्था नहीं की गई है। मैं अपने गोपालगंज नगर परिषद के तमाम जनता मालिकों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मेरे जैसे जीत के प्रति कितना आश्वस्त है आप। हमको जो भी मत मिलेगा, गणमान्य व्यक्तित्व का, बुद्धिजीवी वर्ग का, समाज के हर वर्ग ने मुझे अपने बेटा की तरह माना है। लेकिन यहाँ पे खरीद फरोख्त का जो माहौल था, बहुत लोग उसमें बिक गए, फिर भी हम लोग अपने जीत के प्रति काफी आश्वस्त है। देखिए, ये प्रकाश राज श्रीवास्तव है और इनका कहना है कि यहाँ पर जो मतगणना हॉल है, मतगणना हॉल के अंदर प्रत्याशियों को बैठने के लिए कोई जगह व्यवस्था नहीं की गई है। और यहाँ पर उन्हें जो है सिर्फ मतगणना केंद्र के बाहर में ही उन्हें वॉक करते रहना है, तो ये उनका आरोप है। अब चलते हैं, हम आपको यहाँ ले चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मतगणना हॉल है, देखिए यहाँ पर जो प्रवेश द्वार बना हुआ है और जो यहाँ पर जो पुलिस अफसर तैनात है यहाँ पर, और जो प्रत्याशी हैं वो आप देखेंगे अंदर जो है मतगणना स्टार्ट हो गई है। और हम आपको चलते हैं इसके आगे। ये जो थावे डाइट सेंटर है, हम बता रहे थे कि यहाँ थावे डाइट सेंटर पर जो चार नगर निकाय हैं उनके जो मतगणना केंद्र को बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे बेहतरीन व्यवस्था की गई है, यहाँ पर हर चीज़ों को तरीके से सजाया गया है और जो अधिकारी हैं वो ड्यूटी पर तैनात है। और यहाँ पर किसी भी तरह की गैदरिंग ना हो उसके लिए जो है प्रतिबंध लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जुलूस नहीं निकालना है और डीएम ने सख्त आदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को जो अनवांटेड लोग हैं उन्हें अंदर नहीं आना है। और हम चलते हैं, अधिकारी जो मौजूद हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि काउंटिंग को लेकर के और क्या क्या व्यवस्था की गई है और उनका क्या कहना है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जो सदर एसडीएम है। सर एक मिनट, सर हम लोग से बता दें कि सर आज काउंटिंग को लेकर के सर क्या क्या खास व्यवस्था की गई है। काउंटिंग को लेकर देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है। जो भी काउंटिंग एजेंट हैं या अभ्यर्थी हैं उनके लिए उस तरफ से द्वार खोला गया है, उस तरफ से काउंटिंग हॉल में आएंगे। बाकी सभी काउंटिंग की तैयारी पूरी हो गई है। पूरे काउंटिंग परिसर और उसके बाहर के परिसर को भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। काउंटिंग के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद किसी भी तरह का विजय जुलूस पर प्रतिबंध है। काउंटिंग के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर प्रतिबंध है और साथ में ड्रोन से सीसीटीवी कैमरा जगह जगह पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे। तो ये आपने देखा थावे डाइट सेंटर में कैसे यहाँ पर काउंटिंग को लेकर के सुरक्षा के नाम अपडेट कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो वोटों की गिनती है वो चल रही है। और गोपालगंज में जो चार नगर निकाय है उसको लेकर के काउंटिंग हो रही है। गोपालगंज नगर परिषद के अलावा कटिया, मीरगंज और बरौली नगर पंचायत है और जिला पदाधिकारी यहाँ पर खुद मौजूद है। यहाँ पर हम बताएं कि यहाँ पर जो काउंटिंग को लेकर के बेहतरीन व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हर जो है हॉल में
अलग अलग नगर निकाय को लेकर व्यवस्था की गई है। तीन जो है, एक चेयरमैन के लिए, उप चेयरमैन के लिए और वार्ड के लिए अलग अलग टेबल बनाए गए हैं और यहाँ पर शिक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है और नेट स्लो की वजह से, कुछ कनेक्टिविटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसकी वजह से मीरगंज, कटिया और बरौली का अपडेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन गोपालगंज नगर परिषद का अपडेट लगातार मिल रहा है। डीएम डॉक्टर नोक चौधरी से हम कुछ बात करते हैं और देखें यहाँ पर कि जो अधिकारियों से वो लगातार संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है यहाँ पर। चलिए तब हम बात करते हैं डीएम साहब से, कुछ जाने प्रयास करते हैं। सर पहले तो बेहतरीन व्यवस्था के लिए आपको बधाई। थैंक यू। सर अभी सर किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, कैसे काउंटिंग होगी? काउंटिंग कुछ कुल गोपालगंज जिले में 4 नगर निकाय का इलेक्शन हुआ है जिसमें हम लोग काउंटिंग करा रहे हैं और एक नगर निकाय में 3 मतगणना हॉल बनाया गया है, एक मुख्य पार्षद के लिए, दूसरा उप मुख्य पार्षद के लिए और तीसरा वार्ड पार्षद के लिए। तो 3 हॉल में एक नगर निकाय के लिए बनाया गया है। हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी की व्यवस्था किया है और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किया है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी जगह जगह पर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त परिणाम घोषित होने के बाद कई बार आपसी गुटों में तनाव की संभावना रहती है, इसको लेकर के भी हम लोगों ने विभिन्न नगर निकायों में वहाँ पे दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किया। और सर सीसीटीवी ड्रोन कैमरे इसे क्या क्या रही है? और सीसीटीवी से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कहीं कोई इश्यूज तो नहीं है ताकि हम जनता को सेटिस्फाई कर सकें, और ड्रोन कैमरे से कहीं भी लैंड की संभावना होती है तो हम लोग ड्रोन कैमरे से उसका फुटेज लेकर के आवश्यक कार्रवाई। जुलूस लेकर आपने क्या निर्देश दिया? जुलूस लेकर गई है, जुलूस बिना परमिशन के निकाला जाना उचित नहीं है, उसके लिए जो है अनुमंडल अधिकारी है उससे परमिशन लेने की आवश्यकता है, उसके बाद ही वो जुलूस निकाल सकते हैं क्योंकि धारा 144 लगा। तो आप देख रहे थे डीएम साहब जो डॉक्टर नोकेश चौधरी, उनका कहना है कि गोपालगंज में धारा 40 लगाया गया है, इसकी वजह से जुलूस नहीं निकाला सकता और जीत का जो जुलूस है उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा और उस परमिशन के बाद ही यहाँ पर जुलूस निकाला जा सकता है। तो इस तरह से गोपालगंज में जो नगर निकाय की जो काउंटिंग है वो लगातार चल रही है और डीएम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के। और अभी ताज़ा अपडेट ये है कि गोपालगंज नगर परिषद से जो फर्स्ट राउंड की जो गिनती है वो खत्म हो गई है और फर्स्ट राउंड में जो वर्तमान में जो चेयरमैन है हरिंदर चौधरी वो आगे हैं और करीब 265 वोट से आगे हैं। फर्स्ट राउंड में हरिंदर चौधरी को 1066 वोट मिला था जबकि पंकज सिंह राणा जो है सेकेंड नंबर पर हैं, उनको 801 वोट मिला है और नंबर 3 नंबर पर अजातशत्रु है। तो इस तरह से गोपालगंज में जो वोटों की गिनती है वो लगातार चल रही है और हम आपको गोपालगंज नगर परिषद के अलावा लिए चलते हैं आपको मीरगंज, कटिया और बरौली नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है उसके लिए भी जो है गोपालगंज के थावे डायरी सेंटर में 4 जो नगर निकाय का जो चुनाव है उसके लिए काउंटिंग बनाया गया है और काउंटिंग हॉल को लेकर के यहाँ पर सुरक्षा का जो इंतजाम है वो आप देख सकते हैं कि कैसे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो तैनात हैं। यहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन कैमरे के अलावा जो सीसीटीवी है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और सीसीटीवी की जो निगरानी है वो सिर्फ काउंटिंग हॉल के अंदर नहीं है बल्कि जो मतदान कर्मी है, जो मतगणना कर्मी है उनके टेबल पर भी लगाया गया है ताकि वो काउंटिंग के समय जो कंप्यूटर में जो एंट्री है डेटा की वो परफेक्ट हो। और डीएम डॉक्टर नोक चौधरी वो खुद यहाँ पर मतगणना केंद्रों पर जो है वो जायजा ले रहे हैं और यहाँ पर अब देखेंगे डीएम की जो गाड़ी यहाँ सामने खड़ी है और मीरगंज, बरौली और कटिया जो अभी वार्ड जो नगर निकाय चुनाव है उसके अभी रुझान नहीं मिले हैं, हालांकि उस पर जो अभी काउंटिंग चल रही है फर्स्ट राउंड का रुझान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वहां पर कौन आगे है। लेकिन यहां पर वर्तमान में आप देखेंगे कि गोपालगंज नगर परिषद से जो वर्तमान जो चेयरमैन है वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इस तरह से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं गोपालगंज नगर निकाय चुनाव को लेकर। अभी थावे डाइट सेंटर में गोपालगंज नगर निकाय को लेकर के मतगणना केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड है फर्स्ट राउंड में गोपालगंज नगर परिषद से जो वर्तमान में जो चेयरमैन है हरिंदर चौधरी ये 265 मतों से आगे चल रहे हैं और हरिंदर चौधरी को 1066 वोट मिला है। 2 नंबर पे पंकज सिंह राणा है, उन्हें 801 वोट मिला है और इसके अलावा 3 नंबर पे यहाँ पर अजातशत्रु हैं जिन्हें करीब 500 वोट मिले हैं। तो इस तरह से हरिंदर चौधरी जो है एक बढ़त बनाए हुए हैं और इसके अलावा जो गोपाल नगर परिषद का जो वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 1 से यहाँ पर तनवीर जो है वो जीत गए हैं, वार्ड नंबर 2 से संजीव सिंह है वो जीत गए हैं, वार्ड नंबर 3 से गायत्री देवी हैं वो यहाँ से जीत गई हैं और वार्ड नंबर 4 और अभी अन्य जो वार्डो है वहाँ का भी रुझान नहीं मिला है। तो इस तरह से गोपालगंज नगर परिषद का जो फर्स्ट राउंड है वो संपन्न हो गया। इसके अलावा गोपालगंज के अलावा कटिया, मीरगंज और बरौली नगर निकाय का जो मतगणना है वो चल रहा है और आप यहाँ पर देखेंगे थावे डायरी सेंटर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है।